दिव्य आत्मन आपण मानक मोर सप्रेम प्रणाम। जड़े राजा थिले, भारी दुर्दांत राजा, प्रजा मानकर भलमंद बुझार कौन आग्रह न थाए, खाली राजा ही बोले राजा प्रत्येक समय रे मौज मजलिस करवा, जंगल को जाकि शिकार करवा, कौटी नृत्यांगना मानक नहीं नृत्य देखा, ये सबुरे मन थाए। जेतेबेले से जंगल को जाती शिकार करने से आगुरु 200 सैन्य पखापाखी जाती जंगल भितर को रहीबार बंदोबस्त करती, से केमती उत्तम भोजन करेंगे से किसी लोक जाती रोष करवाई, ये सब गोटे पूरा दल नहीं कि से शिकार करने को जाती जंगल भितर जा बुलती शिकार करके आसती। यही भाव में प्रत्येक समय गोटे मौज मजलिस बीतवापर मन थाए आए कर चली थाए। राजा आ गोटे अद्भुत ख्याल थाए, सी हूँ से पगल मानक खोजु था आ गोटे पगल पाईगले से बस दुख सुख हूँ ताथ मजा मजलिस करती, सीटा गोटे अद्भुत अभ्यास थाए। आ प्रत्येक समय से राज्य घोषणा करे सब श्रेष्ठ पगल को आणिक देखेदेव ताखे आँचेदेव से पुरस्कार देवे। यही भाव में चली थाए राज्यर लोक मैंने गोटे भल पगल खोजु था राजा पाखु पुरस्कार पाइबापी जी जहाँ को पाइले आणिक जुटे दिखती। गोटाए थर जड़े व्यक्ति रास्त जाऊँगी समय देखिले गोटे लोक उदुदिया खरा बेलटा बहुत जोर गरम होस्ता ताति जा पाद पकेवा को भी कष्ट किंतु से लोकटा से पेटे पड़ कि जमी पाने से पहरती सेमती पहरुच से खरारे ये लोकटी पचारा अरे भाई एठी रास्ता उपरे तुम कौन पे एमती पड़च पेटे आउ पहरला भाया हूँ से कहला आज्ञा देखु कि जोर रे गरम होते कष्ट हो खरार संभाली होनी से मुझे गोटे नई में पहरुच नई में मुझे पाने पहरुच लोकटा सब आड़ चाहला निर्मलिया रास्ताटा कितु ये कहे कौन ना मुझे पहरुच भाविला यहाँ निश्चित भाव गोटे बद्ध पगल या रजा पाख को लेकिन गले निश्चित भाव मत कि पुरस्कार मिल तेणु से कहला हाँ भाई तुम गोटे काम कर तुम्हें तो एत समय है पहरल एत समय है गाधेल आस टे कूल को पलैवा टी बस कथबार्ता हाँ दुख सुख हवा से लोकटी से उठिक आसला आसवापर या साथ दुख सुख हो आणिकी कथार भूले नहींक आसिक रजा पाखे पहुँचला कहला महाराज ये लोकटा गोटे पगल आपन तो घोषणा करते पगल को पहुँचे पुरस्कार देवे आपन नियंतु गोटे पगल मत किसी पुरस्कार दिंतु। राजा पचारे कौन तुम पगल ना ना आज्ञा मुझे पगल हे राजा चिंता कले हा हौ ये लोकटा तो आनी पुरस्कार दे विदा करवापर या कथा चिंता करवा पुरस्कार दे विदा कले पचारे तुम कौन करूल ना आज्ञा मुझ गाधोली बहुत जोर गरम हो तो तेणु मुझे गाधोली एत कही से खूब जोर से हसवाक लगेगा। राजा ताकि चाहिए कहले अरे तुम एम हसुच कहीं से कहला आज्ञा एड़े जोर से गरम हो आपण गोड़ू मुंड जाए एत कथ पिंधिक बस तो फुंगुला देहरे भी संभा पारूनी गरम को मुझे टी नदी में पहरुली आपण कितु एत कथ एत जिन पिंधिक बस आपति संभालुंत आपण जाए नदी पोखर में बुड़ जातु ये गरम संभा हो। राजा कहले बढ़िया कथा मुश्चित भाव में जीवी गाधेवापी पाख को डाकिले आगे दुख सुख हेले गोटे सुना बेट लगी बाड़ीटे दे जितेबले तो ठारु आहुरी बड़ पगल को तु देखु ए बाड़ी खंडा को तुता देदे। राजा पगल को से बाड़ी प्रदान बाड़ी धरी पगल पल कि दिन गला राजा देह खराब हो गला विभिन्न समय रे अनेक प्रकार मादक द्रव्य सेवन करने द्वारा सुरापान करने द्वारा एवं निज जीवन शैली को अति विचित्र ढंग से परिचालित करने द्वारा राजा रोगी हो गले एवं वर्तमान से शय्या साई कौन सी मते सुस्थ हबार बाट देखा जाऊना राजवैद्य बहु चेष्टा करु कौन सी मते राजा देह भल हो एक कथा से पगल शुणिला दुई तीन वर्ष से तौक अतिवाहित हो गला पगलटी से सुना बेट लगी बाड़ी खंडा को धरी आसी राजप्रसाद पाखे पहुँचला जितेबले दरबार मैंने अटकई से बाड़ी खंडा देखला जो थे कि राजा मोहर लगी तेणु सिपाही मैंने अटकैला ना से सीधा जा राजा पाखे पहुँचला राजा पाखे जो बद्य सेवक मैंने सेवा करुले
से जिते या देखिले ए तु कड़े पशिलु राजा देह भल ना तु कहीं या भितर पशिलु कही जिते पार्टी कले राजा सेपट को कड़ बुले कि शोले हठात बुलिकी चाहिए किए से आसी कौन है देखला बेलू से ही पगल जहाँ को सी सुना बेट लगा बाड़ीटी राजा तक पाखक डाकिले अन्य सेठू टे बाहर करदे सहित टी कथबार्ता हाँपाई बर्तमान राजा कथा होती पगल सहित राजा पचारे केमिति अच भाई किंतु मोर तो अवस्था ना मुत रोगग्रस्त हो गली मु तो चलीजी मुठी रही पारि ना राजा जिते बता कहते पगल पचारा कड़े जी ना मु संसार छाड़ी चलीजी ना जीवापी कि व्यवस्था कले आगु कि सैन्य सामंत पठेले से घर द्वार तैयारी कले कि खाद्य पदार्थ से पहुँचला जहाँ जे कि आपन को रोष करके खावाक दवापी कि लोक भी पहुँचल ना ना आपन टे आगुआ व्यवस्था कले ना ना राजा कहले अरे भाई से मुझे जीवी से सबू जापरना ये सब कि सेठी पहुँची पारना मुतबले एठू जीवी ए शरीरटा को भी मुझे जापरिना केवल मोर आत्मा चलीजी मु संसार भितर जहाँ भी अर्जन करी सबकि छाड़ी देखी जीवी ए राजमहल प्रसाद भितर ए राजमहल भितर ए राजभंडार भितर मुणिकाय सुधा नहीं किपरिनी बर्तमान पगलटी राजा को पचारा महाराज जदि आप भितर कि भी नहीं किपारे ना सारा जीवन लोक मानू कष्ट लोक मानू अत्याचार कर लोक मान जबरदस्त कर आदाय कर आपण ये भंडार भर्ती करते कहीं लोक मानू हईराण कर आपण ए राजप्रसाद कलेवर को ये बढ़ई थे कहीं जदि आप नहीं पारे ना राजा चिंता करुंट प्रकृत केते कष्ट लोक मानू केते अत्याचार कर समस्त कर आदाय करने ना से केते शोषण किंतु आज हाय पड़ी रोगग्रस्त हो पड़ी गोटे सामान्य तुम जिनस मुठू नहीं किपरि ना मत यू संपूर्ण रूपे खाली जावाक पड़ो राजा आखिरे लुह आसी एवं पगल से ठिया महाराज यही दंड जा जो थे कि सुनार बेट लगी आप एवं कही जिते बड़े तोठ अधिक बड़ पगल तू कौ पाइबू सेत बाड़ीटा को देदेबु मुझे यही बाड़ीटा आपण को दौर कहीं आपण बड़ बड़ पगल ए संसार भितर कहीं नहांती आम जिते बड़े जानूचे ए संसार भितर गला बेले आम सामान्य किसी जिनस भी नहीं कि जाई परिवा ना तथापि भी आम सारा जीवन से संग्रह करने से रखापी प्रत्येक समय चेष्टा कर चलीचे केवे भी भाविना आम गला बेले कौन नहीं कि जापर आला बेले कौन आम को सहायता करवल भगवत चिंता भगवत चेतना भगवान नाम विश्वास भगवान नाम संकीर्तन यादारा आमर जीवार पथ सुगम हो आमे प्रत्येक समय ये संसार भितर जानूचे आम रहा किंतु प्रत्येक समय मुमि रही ए विषय ही चिंता कर चली था प्रत्येक समय मुमि भल रही ए विषय ही भाभी था किंतु ए समय जीवापर मुठी केमी भल रही से विषय आम के चिंता करना से प्रत्येक समय आम आम जीवन को सजाड़ापी चिंता कर आवश्यकता रही आम आम जीवन को केमी भल अतिवाहित करें चिंता कर आवश्यकता रही तो आम रहीपरना जोठी की जीवा सेठी केमी रहीपर से विषय भी चिंता कर आवश्यकता रही तेणु भगवान पाखे शरणापन्न हो भगवत आशीर्वाद को लाभ कर भगवत सत्ता को उपलब्धि कर आम आम जीवन को सुधारी पार आमर अंत सुधारी पार आम अंतकाल सारापर आम जिते ए संसार छाड़ी जावा सेत आमे केमिति भलरे रही पारिबा आमे केमिति भगवान पाखरे पहुंची पारिबा आमे केमिति भगवान सानिध्य लाभ करि पारिबा ए विषय चिंता करिवार आवश्यकता अच्छी ए संसार भितर जिते पार्थिव जिनस आमे जोगाड़ करिथिले मध्य समस्त समय को ता देहरे अतिवाहित करिथिले मध्य एथरु काणी चाहे आमे नहीं कि जाई पारिबा नाही ए कथा को चिंता करिबा ए कथा को विचार करिवार आवश्यकता रहिछि हरि ओम तत्सत।